गाइस आई एम सोलो, वेलकम बैक टू गेम प्ले सीरीज। और भाई यहाँ पे आप सोचो कि भाई साहब मेरे पास ये ट्रक कहाँ से आया, क्योंकि भाई साहब मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ टेस्ला कंपनी में, और भाई साहब एलन मस्क ने मेरे काम से खुश होकर मेरे को ये ट्रक दे दिया है। तो चल भाई यार, बहुत दिन हो गए मैं अपने सिटी में घूमा नहीं, मतलब बहुत दिनों बाद आया मैं अपने काम से। तो चलो भाई यहाँ से एक काम कर रहा हूँ, सिटी को देख लेते हैं चल के। तो भाई अगर आपको भाई वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर लो। तो चलो भाई यहाँ से मैं निकल चुका हूँ। और भाई एक सेकंड, मेरे को पीछे से कोई आवाज मार रहा है क्या? तो आरुण भाई, आरुण भाई, आपको पता है हमारे सिटी में आ चुका है चक्रवाती तूफान। अरे भाई ये क्या कह रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और भाई साहब ये पता नहीं क्या कह रहा था, मेरे को नहीं पता, ये कह रहा भाई चक्रवाती तूफान आ रहा है कोई। तो चलो भाई देखते हैं यार, बीच की साइड इसने बोलता कुछ ऐसे ही। तो चलो भाई देखते हैं। सो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और भाई यहाँ पे आते यार अलग ही मजे आ जाते हैं, क्योंकि भाई साहब पानी पानी। और एक सेकंड भाई, ये वही तूफान है क्या जो कि भाई साहब वो बंदा बात कर रहा था? और भाई यार ये तो बहुत बड़ा है भाई। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से भाई अपनी बाइक को भगा लेता हूँ, और भाई मेरे को पुलिस को जाके ये कंप्लेंट लिखानी होगी, क्योंकि भाई साहब ये जो गाड़ी है ना वो भाई यहाँ पे आ चुकी है पता नहीं कैसे, और भाई वो तूफान बहुत बड़ा था। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और भाई आप देख ही सकते हो कि भाई पुलिस स्टेशन भाई आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे यार कुछ मामला बढ़िया लग नहीं रहा है मेरे को, कि भाई यहाँ पे यार किसी बंदे को कुछ पता ही नहीं है। तो चलो भाई देखते हैं यार क्या सीन है यहाँ पे। और भाई साहब तो भाई इनसे बात कर लेता हूँ मैं, कि भाई मेरे को ये पता नहीं है यार क्या सीन है यहाँ पे। तो भाई मेरे को भाई ये एक ही बात कह रहे हैं कि भाई और भाई साहब मैंने इनको भाई देश की परवाह नहीं, मतलब अपनी सिटी की परवाह नहीं है, तो भाई इनको जीने का हक भी नहीं है। तो चलो भाई मैं इनको यार मार देता हूँ जल्दी से। और भाई साहब यहाँ पे यार तगड़ा सीन हो गया है, तो भाई मैंने यहाँ पे एक करके निपटा दिया है, लेकिन भाई इनको टपकाना पड़ेगा। और भाई डर गए हैं क्या हमसे? तो भाई कुछ ज्यादा ही ये डरपोक निकल गए हैं, लेकिन भाई इनको निपटाना ही पड़ेगा। तो चलो भाई यहाँ से एक काम करता हूँ मैं सीधा, मैंने इन दोनों को टपका दिया है। तो भाई जल्दी से एक काम करता हूँ मैं निकल जाता हूँ सीधा अपने घर के लिए, क्योंकि भाई साहब जो पुलिस है ना वो पड़ चुकी होगी मेरे पीछे। और भाई साहब मैंने जो बुलेट को उठा लिया है, और भाई यहाँ से सीधा निकल लेता हूँ, क्योंकि भाई साहब मेरी बुद्धि खराब होने वाली है। तो भाई मैंने यहाँ पे अपने घर को फाइनली कवर कर लिया है, और आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे कितना मजेदार है। लेकिन भाई आपको पता ही होगा कि भाई इससे क्या होगा, जो कि भाई साहब सुनामी इतनी बड़ी होगी जिससे भाई मेरा घर कुछ नहीं होगा। तो भाई मेरे को तो लगता है लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होने नहीं वाला कि भाई साहब मेरा घर इससे बच जाएगा, तो भाई पूरा घर तबाह हो सकता है। तो चलो भाई देखते हैं क्या सीन है। और एक सेकंड भाई, यहाँ पे मेरे पास भाई कुछ बंदे हैं, और भाई ये कुछ कह रहे हैं यार, और भाई साहब ये मुझसे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे सुनामी आने वाली है और हमें बचा लो। तो भाई मैं यार एक काम करता हूँ, इनसे यार एक बढ़िया सी गाड़ी मांग लेता हूँ, जिससे भाई साहब मैं अकेले जा सकता हूँ। तो भाई एक काम करता हूँ मैं इनसे महिंद्रा थार मांग लेता हूँ। तो चलो भाई, तो भाई मैं नई महिंद्रा थार लेकर, ब्रांड न्यू लेकर सीधा बीच पे पहुँच चुका हूँ, और भाई साहब उनकी मन्नतें पूरी करने आ चुका हूँ मैं, क्योंकि भाई साहब फ्री की गाड़ी लिया तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो चलो भाई यार देखते हैं क्या सीन है। और भाई यहाँ पे तो भाई यार कुछ अलग ही सीन लग रहा है मेरे को तो। और भाई यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इनसे बात करनी पड़ेगी, जो कि भाई साहब जिसके कारण हो रहा है। और भाई ये कर भी कौन रहा है वो देखते हैं भाई क्या सीन है। तो चलो भाई यहाँ पे यार मैं देखता हूँ, और भाई यहाँ पे तो बड़ा तगड़ा सीन हो गया था। तो चलो भाई यहाँ से यार एक काम करता हूँ मैं सीधा यहाँ पे सीधा पानी में चलता हूँ, और भाई देखते हैं क्या सीन है। और भाई साहब इसकी जो लहर है ना मेरी तरफ आ रही है, और भाई एक सेकंड ये कौन है भाई मेरे को नहीं पता। और भाई साहब तो भाई मेरे से बात हो गई, और भाई ये कह रही है कि मैं अगर तुम इस सुनामी को बचाना चाहते हो तो भाई आधे घंटे के अंदर मेरे पास एक मरी हुई लड़के की लाश लेके आओ। तो भाई मैं अपनी गाड़ी को भगा लिया है सीधा लाश के लिए, और भाई एक सेकंड एक्सीडेंट
भाई बड़ा गंदा एक्सीडेंट हुआ मेरा, और भाई आप देख सकते हो यार लग गई, और भाई सब इतनी जोर से लगी है ना कि भाई हॉस्पिटल पहुंच गया मैं। और भाई यहाँ पे फाइनली यार मेरे को यहाँ पे पता नहीं कौन सी दूसरी सिटी लाए थे, और भाई साहब आप देख सकते हो कि भाई जो हमारा सिटी है मतलब हमारी जो सिटी है ना वो भाई पूरी तहस नहस हो चुकी है पानी से। लेकिन भाई मेरे को एक बात ध्यान आ रही है कि भाई यहाँ पे एक टाइम मशीन है जिससे भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और भाई साहब यहाँ पे मैं पता नहीं यहीं पे बिल्डिंग पे टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। और भाई ये दिन 3 दिन पहले की बात है, तो भाई मैं 3 दिन पहले पहुंच चुका हूँ सुनामी के दिन से। तो चलो भाई यहाँ से मतलब सुनामी आने वाली है तो मेरे पास उसका कॉन्टेक्ट है, तो भाई एक लड़की को जल्दी से मैं मारता हूँ और भाई साहब उसको सीधा उसके हवाले कर देता हूँ। तो चलो भाई यही मौका है कि मैं भाई उसको निपटा सकूँ। तो भाई मेरा साथ देने के लिए तब तक भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई जल्दी से एक लड़की को मैं लपेट देता हूँ बंदूक से। तो चलो भाई यहाँ पे एक लड़की दिख तो रही है, एक सेकंड अपनी बड़ी बंदूक निकाल लेता हूँ और ना पट से पीठ शॉट। तो भाई पीठ पे शॉट मारा मैंने, तो भाई सर पे नहीं मारा लेकिन पीठ पे मारा है, तो भाई पीठ शॉट ही कहेंगे। तो जल्दी से यार मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ उस लेडी को, और भाई साहब यहाँ पे यार उससे जल्दी से बात कर लेता हूँ, उसका डायल करता नंबर। और भाई मेरी उससे डायरेक्ट बात हो गई, और भाई साहब ये कह रही है कि तुम वहाँ से निकल जाओ, ये भाई अपने आप लाश 2 मिनट में गायब हो जाएगी। तो चलो भाई देखते हैं यार क्या सीन है। और अगर भाई आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में भाई पार्ट 2 टाइप कर देना।